हमारे साथ रागनी नायक हैं, युवा नेता हैं, यूथ पैनल की सदस्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रागनी जी, यूथ की बड़ी चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि 50 साल से कम युवा को 50% आरक्षण मिलेगा। क्या यूथ पैनल से संतुष्ट है कि या टोकनिज्म आपको लगता है कि खाना पूर्ति है, यूथ कह के आप जनरल कैटेगरी को भी डाल दे रहे हो? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में 55% जो है वो युवा हैं और दुनिया का हर पांचवा युवा जो है वो भारतीय है। तो युवाओं के बिना आप सोचें कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मुस्तैदी के साथ चल सकती है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो युवाओं की आकांक्षाओं को आप कैसे सम्मिलित करेंगे, उनके सपनों को, उनके मुद्दों को, अगर वो अपने बारे में बात करने के लिए, निर्णय लेते हुए अपनी बात को रखने के लिए शामिल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हमने एक ब्रैकेट जो जिस पर चर्चा चल रही है वो है 50%, 50 की उम्र से कम लोग हर तरीके के संगठन में ऊपर से नीचे तक, यानी कि ब्लॉक से लेके कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक, संगठन के पदों में, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें, जब कमिटीज बने उसके अंतर्गत, और इसी के साथ साथ उसमें डाइवर्सिटी हो। जैसा आपने इस मंच पर भी देखा कि नौजवान एक थे, नव युवतियां चार थी, तो जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, कास्ट डिस्पैरिटी ना हो, ये सब इंश्योर करना मैं समझती हूँ एक बड़ा चैलेंज है। तो हम इसको नकारात्मक दृष्टि से ना देखें कि आपने तो 50 कह दिया, हमने कहा है 50 से कम, हो सकता है 35 से 40 भी हो वो ब्रैकेट, हो सकता है 40 से 45 भी हो या 45 से 50 भी हो। तो इसको एक सकारात्मक दृष्टि से देखें, मैं आशावादी हूँ और नौजवानों को भी मुझे लगता है इसी तरह से आशावादी होना चाहिए। दूसरी बड़ी बड़े बदलाव की बात हो रही है, वन फैमिली वन टिकट की बात हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि क्या गांधी परिवार पे भी वो अमल किया जाए? देखिए, अभी तो ये चर्चा से बाहर ही बात निकल कर नहीं आई है और मुझे लगता है थोड़ा सा तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। देश के तमाम कार्यकर्ता जो हैं उनकी भावना को उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आकर बता रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने जो कमेटी बनाई है संगठन पर, वो ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आती है, वो प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी लागू करती है, तो मुझे लगता है कि वो पूरी पार्टी को उसको ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये कुछ चरण हैं जिनसे ये पारित हो, आगे निकले, और उसके बाद उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 5 साल अगर दूसरे सदस्य ने 5 साल पार्टी में काम किया है तो उसको टिकट मिल सकता है, पर 5 साल प्रियंका गांधी के भी पूरे हो जाते हैं 2024 में, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या खाना पूर्ति हो रही है? नहीं, देखिए, ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये कहना कि कोई पार्टी छोड़कर गया और फिर वापस आया और उससे अपेक्षा की जाए कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो या पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का काम हो और उसमें उसे 5 साल बिना किसी पद के काम करके दिखाना पड़े, तो मैं समझती हूँ ये जायज भी, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो पार्टी में कठिन समय पर रहे, जिन्होंने संघर्ष किया और विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ, भाजपा और संघ के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, ऐसे समय पर जब कांग्रेस पार्टी का संगठन भी सिकुड़ रहा है और हमारी बहुत ज्यादा सरकारें नहीं बची हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग है। तो इसलिए अगर आप आकर काम करते हैं, अपनी निष्ठा को साबित करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ गलत है। और भाई, आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो चाहती हूँ प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े और मैं चाहती हूँ कि वो संसद में बैठे और मैं वो चाहती हूँ कि वो और उत्तर प्रदेश से भी बाहर निकलकर देश का नेतृत्व करे, कांग्रेसियों का नेतृत्व करे। और आपने तो प्रियंका जी के बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए, उन्होंने 271 रैली की, हर रैली में उन्होंने नौजवानों की, महिलाओं की और उत्तर प्रदेश के लोगों की बात की। अब चुनाव के नतीजे हमारे उसमें नहीं रहे क्योंकि पोलराइज जब हो जाता है तो थर्ड पार्टी इलिमिनेट हो जाता है, लेकिन जो मैंडेट उन्होंने रखी उसे मीडिया ने भी स्वीकारा, उसे जनता ने भी बहुत अच्छा बताया और हर भाषण उनका लोगों के मन को छू के गया है। तो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, आज मैडम ने इतना अच्छा भाषण दिया। और मैं एक बात और बोलूंगी मौसमी, कि वही परिस्थिति है, सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष बनी थी तब कांग्रेस की केवल 2 राज्यों में सरकार थी, अटल अडवाणी युग था, सोनिया गांधी के जीवट के कारण, नेतृत्व के कारण 19 प्रदेशों में हमने सरकार बनाई, 10 साल यूपीए, और अब वही एक तरीके से फिर से फेज आ रहा है जब कांग्रेस के इलेक्शन संपन्न होंगे अगस्त में, कोई नया अध्यक्ष हमें मिलेगा और उसी आकांक्षा और अपेक्षा के साथ हर कांग्रेसी आगे देख रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रागनी नायक यहाँ पे कहते हुए कि आशावादी होना चाहिए और जरूर इस चिंतन से कुछ मंथन निकलेगा जो कांग्रेस को एक नई दिशा देगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, उदयपुर आज तक।